शामिर को जूते और बैग खिला दी। भाई बहुत ही महंगी चॉइस है शामिर। फिर क्या, अब लेके तो देने पड़ेंगे। बस ये है कि जरा बजट आउट हो जाए। इसीलिए तो कह रही हूँ फारूक कि मुझे जॉब करने दो। फारूक हमारा सिर्फ एक ही बेटा है, आज छोटा है कल वो बड़ा होगा, हम उसके लिए क्या क्या कर सकेंगे? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम एक छोटा सा मकान किराए पे ले लेते और जो किराए से बचत होगी उसे हम अपने बेटे की खुशियां खरीदें। तुम सिर्फ आज की सोचते हो, मैं उसके मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद हूँ। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारी मुलाजमत करने से शामिर के मुस्तकबिल का क्या दानो? मेरी बात को ठंडे दिमाग से सोचो। क्या सोचो? फारूक हम तुम्हारी तनख्वाह से अपने फालतू के अखराजात को कम करके अपनी जिंदगी गुजारे और जो मेरी तनख्वाह होगी उसे हम शामिर के अच्छे मुस्तकबिल के लिए जमा कर देंगे। ओहो, अब इतना ज्यादा भी ना सोचो, मैं तो बस कल से ही अपनी जॉब की तलाश में शुरू हो जाती हूँ। अगर मगर कुछ नहीं, प्लीज। शामिर की देखभाल कौन करेगा? अरे बाबा उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अम्मा का घर शामिर के स्कूल के करीब ही है, वो स्कूल से वापसी में अम्मा के घर चला जाएगा। हाँ ऐसा हो सकता है। अब ज्यादा फिक्र ना करो, वापसी में तुम या मैं कोई भी उसे घर ले आ जाएगा। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे चाय ले आती हूँ। हाँ मेरे खुद आया, कैसी है ये बाहर की दुनिया, कैसे अजीब अजीब लोग हैं, गरीबों की मजबूरियों को ये किस तरह से अपनी हवस का निशाना बनाते हैं। इस तरह से तो मेरे शामिर का मुस्तकबिल कभी महफूज नहीं होगा। परेशानी हो बेटा, उसे अपना ही घर समझो। बेटा हुआ क्या है, मुझे अपनी परेशानी बताओ, क्यों तुम इतना परेशान हो? पता नहीं, मैं सुबह से घर से निकली हुई थी नौकरी की तलाश में, बहुत ज्यादा थक गई थी शायद, इसलिए थोड़ा चक्कर आ गए। नौकरी ढूंढते ढूंढते क्या मतलब? एक्चुअली मेरे शौहर की तनख्वाह इतनी नहीं है कि हमारा गुजारा हो पाए, इसलिए मैं नौकरी की तलाश में निकली। अच्छा तुम कितना पढ़ी हुई हो? जी मैंने BBA किया है। अच्छा मैं अपने भाई से बात करती हूँ, इंशाल्लाह तुम्हारी नौकरी का मसला हल हो जाएगा। जी बाजी, आज भाई की याद कैसे आ गई? खैरियत तो है? जी भाई आपको तो पता है मैं बिला वजह किसी को तंग नहीं करती। अरे बाजी आप हुक्म करें। हुक्म नहीं, दरखास्त है, एक मजबूर और लाचार औरत है बेचारी। क्या मतलब? एक बच्ची है जॉबलेस, अपने ऑफिस में उसके लिए जगह बना दें भाई, बहुत मजबूर है बेचारी। अरे बाजी कैसी बातें कर रही है। देखिए आप हुक्म करें और मैं उसको टाल दूं, ऐसा कभी हुआ है पहले? आप ऐसा करें कि उसे भेज दें, मैं देख लेता हूं। शुक्रिया भाई। ओके अल्लाह हाफिज। भेजो। May I come in, sir? Yes, come in. आइए। सर मुझे आपकी सिस्टर ने कार्ड दिया था। जी जी बैठे, तशरीफ रखिए। थैंक यू सो मच सर। पहले ये बताएं कि चाय चलेगी या कॉफी? नथिंग सर, थैंक यू। आपको कुछ एक्सपीरियंस है काम का? सर मैंने BBA किया है। दरअसल मैं अपनी बहन की कोई बात टाल नहीं सकता, उन्होंने भेजा है तो आपको जॉब जरूर मिलेगी, बल्कि मेरा ख्याल है कि आप आज से अपनी जॉब शुरू कर सकते हैं। श्योर सर। फैसल जरा अंदर आना। बाजी ने जब भी किसी काम का कहा है तो मैं इनकार नहीं कर सकता।
फैसल, तुम ऐसा करो कि मैडम को इनका कमरा दिखा दो। थैंक यू सर। वेलकम। आपने ऑफिस को बड़े अच्छे तरीके से संभाल लिया। मेरी तकरीबन काफी मुश्किलात रिजॉल्व हो गई। थैंक यू सर। अच्छा सर, अब मैं चलूं? हाँ, बल्कि ऐसा कर दें कि मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नो सर, सीरियसली, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। ऐसा कैसे जनाब? आपके लिए तो खुशखबरी है, ऑफिस की तरफ से आपकी गाड़ी बुक हो चुकी है, कल तक शायद आपको मिल जाए। अच्छा, वो आपसे एक रिक्वेस्ट है। जी जी सर, कहिए ना। मुझे शॉपिंग करनी है और अकेले शॉपिंग होती नहीं मुझसे, अगर आप हेल्प करवा दें तो। मेरा मतलब है, आप अपने लिए भी शॉपिंग कर सकती हैं। नहीं सर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, थैंक यू। अरे जनाब, आप चलें तो सही, वहाँ चल के फैसला कर लेंगे। ओके सर। मेरी जॉब ही ऐसी लगी है, पर्सनल सेक्रेटरी की तरह बस यूं बैठी रहूंगी, गाड़ी में आऊंगी, गाड़ी में जाऊंगी, तुम्हारे पापा की तरह इस खचारा मोटरसाइकिल पर नहीं। मामा, इतने अच्छे अच्छे कपड़े किसने दिलाए? मेरे बॉस ने। अब जाहिर है उनकी पर्सनल सेक्रेटरी हूँ तो अच्छे ड्रेसेस तो पहनूंगी। मामा, आप मेरे लिए कुछ भी नहीं लाई। अरे बेटा, मामा आपको खुद शॉपिंग करवाएंगी। कब मामा? ऐसा करते हैं कि अभी चलते हैं, राइट? मैं तुम्हें न्यू यूनिफॉर्म, जूते और बैग दिला कर दूंगी। ओके, सो गेट रेडी, हरी अप हरी अप। पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ कि तुम नाश्ते और खाने की टेबल पर बड़ी मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें रखती हो, ये सब कहाँ से आता है? मैं अच्छी सैलरी की जॉब करती हूँ, तुम्हारी तरह 25-30 हज़ार की नहीं। जस्ट शट अप। यू शट अप। मुख्तलिफ किस्म की दाल सब्जी और पापे खिलाते थे ना तुम मुझे। देखो, मैं अपनी हैसियत और चादर में रहने का आदी हूँ। अच्छा, फिर तो तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हारी हैसियत और चादर दोनों ही बड़ी कर दी। देखो शांजे, मैंने तुम्हें शामिर के बेहतर मुस्तकबिल की खातिर मुलाजमत करने की इजाजत दी थी, इस तरह गुलछर्रे उड़ाने के लिए नहीं। शामिर का मुस्तकबिल भी बना दूंगी, पहले मैं अपने अरमान तो पूरे कर लूं। तुम शायद ये भूल रही हो कि तुम एक बेटे की माँ। क्यों, बेटे की माँ का दिल नहीं होता कि वो सैर करे, अच्छे से अच्छा खाना खाए, अच्छे कपड़े पहने? ओ, अब समझा। तो तुमने शामिर की आड़ लेकर मुलाजमत शुरू की है ना? मामा, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। तुम नाश्ता करो, मैं शामिर को तैयार करके लाती हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, तशरीफ रखें। थैंक यू। सर आपने मुझे, हाँ सॉरी भाई शांजे, आपको ज़हमत दी। असल में आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। इट्स ओके सर, लेकिन करना क्या है? हाँ ये एक दो असाइनमेंट है दुबई की ऑफिस में फैक्स करनी है। श्योर सर, ठीक है सर मैं चलती हूँ। अच्छा वो मुझे आपसे एक बात करनी है। एक सेकंड सर। हेलो, मैं ऑफिस में हूँ, जॉब कर रही हूँ, कोई काम खुद भी कर लिया करो। सर आप कुछ कह रहे थे? कुछ नहीं, किसका फोन था? सर मेरे शौहर का फोन था। छोड़े सर आप बताइए ना कुछ कह रहे थे। नहीं नहीं फिर बात कर लेंगे, अभी ड्राइवर आपको ऑफिस छोड़ देगा। शहजाद मालूम है इस वक्त रात के कितने बज रहे हैं? वक्त की पाबंदी करने वाले पाई पाई का हिसाब करते रह जाते हैं। जो वक्त की पाबंदी नहीं करते ना, उनकी आखिर भिखारियों जैसी होती है। तुम अपने आज को क्या समझते हो जो मेरे आखिर की बात कर रहे हो? 25,000 से 30,000 के मुलाजिम हो तुम, और मैं अनकरीब एक गाड़ी खरीदने वाली, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। अपने बेटे को मैं तुमसे अच्छा पाल सकती हूँ। देखो शांजे, हया और रिश्ते के दरमियान एक बारीक सी लकीर होती है, और तुम वो लकीर पार करने की कोशिश कर रही हो। लकीरें लकीरें तो अब मैं खुद खींचूंगी, समझे? बहुत पछताओगी तुम। जाओ जाओ, मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। पापा मेरा मुकाबला करने के लिए ओवर टाइम करने गए होंगे, लेकिन वो तो मेरा मुकाबला कर ही नहीं सकते। मामा, पापा को जरूरत क्या आपका मुकाबला करने की? पापा तो है नंबर वन। चुप है, पापा का चमचा, खाना खा अपना। पापा कौन है? शामिर मैं हूँ मामा, दरवाजा जल्दी खोलो बेटा। मामा क्या हुआ? Thank you.
शांजे? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे यहीं छुपा रहने दो। हाँ, शांजे दरवाजा खोलो, मैं हूँ फारूक। नहीं, तुम फारूक नहीं हो, तुम मुझे लेने आए हो। हाँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। मामा दरवाजा खोलें, मामा मैं और पापा हैं, मामा दरवाजा खोलें। नहीं नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, मैं नहीं खोलूंगी दरवाजा। ऊपर वाली कुंडी खोलो। नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, मलिक आसिम का सबसे करीबी साथी तू था, और तूने कहा कि शांजे के शोहर ने मलिक आसिम को मिठाई में जहर दिया। सच बता के वो मिठाई का डब्बा कौन लाया था, वरना बाकी की जिंदगी जेल में गुजारने के लिए तैयार हो जा। शांजे का शोहर उसका पीछा करते हुए मुझ तक पहुंच गया, हम दोनों ने एक दूसरे को देखा तो। फैसल, अबे कैसा है यार? बस अल्लाह का करम है, तू यहाँ कैसे? तू यहाँ क्या करता? मैं यहाँ जॉब करता हूँ। फैसल, अभी जो लड़की गई है तू उसे जानता है? हाँ जानता हूँ शांजा मैडम, तू जानता है इसे? ये मेरी बीवी है। मैं फैसल, मेरे काम करें। हाँ बोल, तेरा मुझ पर एहसान है, तूने मेरी जान बचाई थी। देख, काम खतरनाक है और इज्जत का मामला है। दरअसल मेरी बीवी जो है वो गलत रास्ते पे चल रही है, याशी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। यार मैं चाहता हूँ कि उसे रास्ते से हटा दो। जैसा तू बोलेगा वैसा ही करूँगा, बोल करना क्या है? काम खतरनाक है, चला मैं तुझे समझाता हूँ। फिर हमने एक प्लान बनाया और उस पर मैंने अमल कर दिया। हाँ जुबेरी साहब, लेकिन ये दुबई वाली पार्टी हाथ से नहीं निकलनी चाहिए। हाँ डन कर दें। चले ठीक है, फिर आपसे दुबई में मुलाकात होगी। ओके अल्लाह हाफिज। सर आपसे कोई मिलने आया है। कौन है? अपने आप को शांजे मैडम का शोर बता रहा। शांजे का शोर? अच्छा ठीक है फिर। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर दरअसल मैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए हाजिर हुआ था। आप यकीन जानिए मेरे पास अल्फाज नहीं है जितना बड़ा एहसान किया आपने शाम जी को यहाँ जॉब देकर, और आपके ऐसे एहसान की वजह से हमारे घर के हालात सुधरे। अरे नहीं नहीं, शाम जी इस नौकरी के लिए डिजर्व करती। सर मैं आपकी खुशी के लिए ये मिठाई लेके आया था। सर प्लीज़ इनकार मत कीजिएगा। प्लीज इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है सर? प्लीज गरीब की खुशी के लिए प्लीज मूवी ला के लीजिए। चले सर और लीजिए ना। बस शांति की खुशी के लिए चले। सर बस एक मेहरबानी कीजिएगा, आप शांति को मत बताइएगा कि मैं यहाँ आया था, शायद वो बुरा मान जाए या फिर मेरे आने को गलत समझे। अरे आप फिकर ना करें, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, फिर बोला था। अच्छा
क्या हुआ सर? ये आपने क्या किया? बॉस का कत्ल कर दिया? नहीं नहीं, पागल हो गए क्या? मैं तो अभी आई हूँ। बात तो मत घुमाए, तुम्हारे और बॉस के अलावा यहाँ पर है कौन? अरे बात को समझने की कोशिश करो, मैंने कुछ नहीं किया है। ये तो पुलिस बताएगी कि ये किसने किया है। पुलिस? लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भेजो और एम्बुलेंस को कॉल करो। फिर चांदे पोस्ट के ऑफिस में गई और मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया। चांदे घबरा गई, वो अपने आप को कातिल समझने लगी। मलिक आसिम को जहर किसने दिया था? साहब, मलिक आसिम को जहर तो फारूक ने दिया साहब, मैंने नहीं दिया। फारूक ने? यानी तुम दोनों ने कानून को बेवकूफ समझा कि हम शानजे को मलिक आसिम के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लेंगे। फिलहाल तो तुझे हवालात की हवा खानी पड़ेगी जब तक मैं फारूक को गिरफ्तार कर लूं। फारूक, तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते हो ना? करता था, मगर अब नहीं। ऐसे मत कहो फारूक, देखो मेरे जहन पे। मैं तुम्हें एक सच बताती हूँ, तुम मेरा साथ दोगे ना? हाँ, मुझे नहीं मालूम मैंने अपने बॉस आसिम को मारा या नहीं, तुम तो मुझे पुलिस से बचा लोगे ना? तुम तो अपने बेटे के बेहतर मुस्तकबिल की आड़ में अय्याशी करने लगी थी ना? फांसी तो तुम्हें हो? ऐसे मत कहो, मैंने कुछ भी नहीं किया। तुम मुझे बचा लो ना पुलिस से। हाँ, मेरी मदद करोगे? सॉरी, कि मैं तो तुम्हें खुद पुलिस के हवाले कर। नहीं नहीं, मजाक कर रहे हो, तुम मुझे पुलिस से बचा लोगे ना? हाँ, तुम मेरा साथ दोगे ना? हाँ, नहीं 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 नहीं। हाँ, शांति, छोड़ो, कर रही हो, छोड़ो पारो, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो शांति? ए, खबरदार, अगर कोई अपनी जगह से मिला मिस्टर फारूक, आपको मलिक आसिम के कत्ल के जुर्म गिरफ्तार किया जाता है, समझे? मैंने कोई कत्ल नहीं किया। बॉस, आसिम मर गया? हाँ, मर गया वो। पुलिस, आसिम, फांसी तो तुम्हें होगी, कत्ल तुमने किया है, मुझे नहीं होगी, फांसी तुम्हें होगी। फांसी तो तुम्हें होगी, मुझे नहीं होगी। दोनों मियां बीवी का अंजाम तो तुम्हारे सामने।
मगर उनका वो मासूम और बेगुनाह बेटा जो आज दारुल उलूम का हिस्सा है, उस बेचारे का क्या कसूर था? अफसोस, सादा अफसोस।